नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 नवंबर मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। नीतीश कुमार ने सोमवार को राजभवन में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के साथ 4 बार के विधायक तारकिशोर प्रसाद ने मंत्री पद की शपथ ली। वे वैश्य समुदाय में आते हैं। अति पिछड़ा वर्ग में आने वाली रेणु देवी को भी शपथ दिलाएगी। पोर्टफोलियो भले अभी नहीं बटा, लेकिन नीतीश के बगल की 2 कुर्सियों पर तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी के बैठने से ये साफ हो गया है कि तमाम विरोधों के बावजूद ये दोनों ही उपमुख्यमंत्री हैं। नीतीश की कैबिनेट में जदयू के 5, भाजपा के 7, हम के 1 और वीआईपी के 1 विधायक को मंत्री के तौर पर शामिल किया गया है। शपथ समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। झुंझुनू जिले के खेतरी नगर में घर में सुख शांति की पूजा करने आए गोठड़ा तन दोध सीकर निवासी बाबा लालचंद उर्फ बाबूलाल जांगीर द्वारा 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इसमें आरोपी बाबा द्वारा पूजा पाठ करने के नाम पर पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर आरोपी बाबा लालचंद उर्फ बाबूलाल जांगीर पर मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। जोधपुर जिले के बासनी थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी की वारदात होने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि दुकान की दीवार तोड़कर चोर दुकान में घुसे और लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। नागौर जिले के डेगाना कस्बे में सोमवार को युवक युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। महिला शादीशुदा थी और उसकी 3 साल पहले शादी हुई थी, जबकि मृतक युवक विजेंद्र मेघवाल की उम्र 22 साल की थी। मृतक किराड़ गांव का रहने वाला था, जबकि मृतका मुन्नी देवी की उसी गाँव में शादी हुई थी। पुलिस ने बताया कि डेगाना कस्बे के पास रेवंत फाटक के पास युवक युवती दोपहर 12 बजे डेगाना के मेड़ता की ओर जा रही मालगाड़ी ट्रेन के आगे कूद गए। ट्रेन से कटकर दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। कोटा शहर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकबजनी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि इस गैंग के 2 बदमाशों को हिरासत में लिया गया है। एसपी गौरव यादव ने बताया कि इन्होंने हाल ही में 16 लाख रुपए से ज्यादा की नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने कोटा के अनंतपुरा बोरखेड़ा थाना क्षेत्र सहित अन्य कई इलाकों में वारदात करना स्वीकार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अलवर जिले के बहरोड थाना क्षेत्र के गांव भीमसिंहपुरा में बैंक मैनेजर कपिल कुमार की पत्नी शीला 14 दिन पहले आग से जल गई थी, लेकिन पति और परिवार के लोग उसे अस्पताल लेकर नहीं आए। हालत ज़्यादा बिगड़ी तो दिवाली के दिन पत्नी को अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूछताछ में पति ने बताया कि उसकी पत्नी चाय बनाते समय जल गई थी, वह साइको भी थी। जब पुलिस ने अस्पताल में भर्ती नहीं कराने को लेकर सवाल किया तो पति ने जवाब दिया कि वैद्य से इलाज करवा रहे थे। यही नहीं, बेटी के को यानी पीहर पक्ष को भी खबर तक नहीं दी। जिस दिन मौत हुई उसी दिन पिता के पास फोन आया कि आपकी बेटी की मौत हो गई है। उसके बाद पिता नारनोल के चंडालिया गांव निवासी बाबूलाल ने बैंक मैनेजर दामाद कपिल ससुर सहित परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। झालावाड़ जिले की अकलेरा थाना पुलिस ने दीपावली पर जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते 20 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 1,13,205 रुपये जब्त किए गए हैं। पुलिस ने 5 जगह अलग अलग दबिश देकर यह कार्रवाई की। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भरतपुर जिले के कामा में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में हुई फायरिंग तथा हमले में 1 महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई तथा 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि कामा के जुरहर्रा थाने के गांव बामनवाड़ी में पंचायत चुनाव को लेकर 2 पक्षों में चला आ रहा टकराव बढ़ गया। आशुमेव और तुड़ी जाटो पक्ष में चुनाव को लेकर झगड़ा था। सोमवार को दोनों पक्ष के लोग फिर आमने सामने हो गए तथा एक दूसरे पर लाठियों से हमला कर दिया। आशुमेव पक्ष के लोगों पर तुड़ी जाटो पक्ष ने लोगों ने जीप चढ़ा दी, जिससे अशरफी नाम की एक महिला की मौत हो गई तथा और लोग घायल हो गए। वहीं आशुमेव पक्ष के लोगों ने तुड़ी जाटो पक्ष के लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें उनके साथी रोहिताश की मौत हो गई। दीपावली के बाद देश भर में भाई दूज का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर भाई दूज की बधाई देती हैं।
ऐसे में हर साल उदयपुर जेल में भी भाई दूज का पर्व मनाया जाता था, जहां पर बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को तिलक लगाकर त्रिफल भेंट करती हैं। लेकिन इस साल कोरोना वायरस संक्रमण के चलते उदयपुर में बहनें अपने भाई से मिल नहीं सकी और ना ही उनके तिलक लगा पाई और भाई दूज का पर्व नहीं मना पाई। जेलर मान सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है, ऐसे में जेल में बंद कैदियों की सुरक्षा के मद्देनजर इस बार जेल प्रशासन द्वारा भाई दूज का पर्व नहीं मनाने का फैसला लिया गया था। अजमेर की विजयनगर तहसील में एक प्रॉपर्टी कारोबारी की हत्या कर दी गई। 60 साल के कारोबारी नौरतमल जैन का खून से लथपथ शव एक होटल के पास सुनसान इलाके में मिला। जहां शव मिला उसके 3 किलोमीटर दूर उनकी कार लवारिस हालत में खड़ी थी। इससे आशंका है कि बदमाशों ने लूटपाट के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया कि अजमेर रोड इलाके में शव मिला है, वही कार भीलवाड़ा रोड पर विजय गौशाला के पास मिली। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। वही पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कोटा जिले के रामपुरा कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान पवन निवासी रामपुरा के फतेहगढ़ी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। जैसलमेर जिले के लाठी थाना क्षेत्र के सोडाकोर गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर आसपास के ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि फोन को चार्ज लगाते समय यह हादसा हुआ। पुलिस ने युवक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again